किन्ने बंदे करते जमा चा नहीं पड़ी चाह पिलाओ भाई कित्थे गया चाह लियाओ थोड़ी आवाज एक मिनट सर मैं ऐसे नहीं दूंगी भाई।
आगे पीछे जाओ थोड़ा कर ले गल बोल दो फिर मैं तो बोल क्या आप आपने कोई इंडिया न्यूज चैनल और आसमास अखबार से मैं सुनील शर्मा। जब से कर्फ्यू लगा हुआ है रोजाना कितने लोग आवारा गर्द सड़कों पे घूम रहे हैं और गवर्नमेंट बार बार मना कर रही है कि सड़कों पे मत जाओ, अगर जाना तो पैदल जाओ। मोदी जी का भी यही कहना है कि कहीं भी जाना पैदल जाओ, लेकिन लोग सुधर नहीं रहे। जब से कर्फ्यू शुरू हुआ है, हमारे साथ इंस्पेक्टर केश कुमार है, चंडीगढ़ पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर केश कुमार, इनका कहना है कि 15 दिनों में हमने इतने स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ियां बाउंड की है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो अपने एक बैरियर की बात करते हैं, चंडीगढ़ में कितने बैरियर, कितनी गाड़ियां स्कूटर मोटरसाइकिल बाउंड हो रहे हैं। एसएसबी मैडम ने बोला है, डीजीपी ने बोला है, सभी यही बोलते हैं कि गाड़ियां लेकर मत निकलो, अगर आपके यहाँ परमिशन नहीं है तो बिल्कुल ना जाइए, अगर परमिशन है तो गाड़ी लेके जाइए, अगर बिल्कुल मत निकलिए, सड़कों पर मत निकलिए। इतना कोरोना फैला हुआ है। हमारे साथ इंस्पेक्टर के जी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आपने जब से ये कर्फ्यू शुरू है कितनी गाड़ियां बाउंड की है। इंस्पेक्टर के जी आप बताइए, जब से कर्फ्यू शुरू हुआ है और गवर्नमेंट का यही कहना कि सड़कों पे मत गाड़ियां चलाइए, स्कूटर मोटरसाइकिल मत चलाइए, आपने कितनी गाड़ियां अभी तक बाउंड की है जब से ये कर्फ्यू शुरू है? जब से ये नाका हमारा यहाँ धनास बैरियर पे लगा है, सीनियर अफसरों के आदेशों के अनुसार हमारे DIG साहब ने कहा है भी यहाँ दरात पर नाका लगाओ, जो कॉलोनी वाले हैं जो बिना कर्फ्यू पास के घूम रहे हैं या बिना आईडी घूम रहे हैं भी, उनकी गाड़ियाँ हमने बंद कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बैरियल के पास 15 दिन हो गए हमारे को लगे हुए, हमने यहाँ से 320 के करीब गाड़ियाँ बंद कर दी हैं। मेरा स्टाफ जो है पूरा जोर लगा रहा है, हमारा जो स्टाफ है पूरा जोर लगा रहा है, ताकि पब्लिक को समझा भी रहे हैं, पब्लिक हमारे समझाने के बावजूद भी नहीं मान रही, तो हमारा जो ये प्रोसेस है ये जारी रहेगा जब तक कोरोना चल रहा है। आज तक जब से कर्फ्यू शुरू आपने कितनी गाड़ियां बाउंड कर दी है? 300 से ऊपर गाड़ी बैठ गई, 300 सवा 300 के करीब हमने गाड़ी बंद कर दी है। आज कितनी गाड़ियां बाउंड की है ये हम देख रहे हैं, आज भी काफी गाड़ियां। आज हमने 16 2-व्हीलर बंद किए हैं और एक कार बंद की है, टोटल 17 हमने बंद किए हैं। अभी तो टाइम 2 ही बजे, अभी तो काफी टाइम पड़ा आपके पास, और भी स्कूटर मोटरसाइकिल बाउंड करेंगे अभी आप? बिल्कुल जी, अब तक जितने भी आएंगे तो हम उसको बंद किया जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा 2 बजे तक का टाइम है, 10 से 2 के बीच में ये जो गाड़ी 17 बंद की है, उसके बाद भी हमारा नक्का 3 से लेकर 7 बजे तक लगेगा, उसमें भी गाड़ी बढ़ने की शंका है। कुछ लोग मजबूरी के कारण भी निकलते होंगे, कोई आपको रिक्वेस्ट भी करते होंगे, लेकिन पता लगा कि आप किसी को छोड़ते नहीं है। हमें छोड़ना का, हमारे सीनियर अधिकारियों ने कहा कि कोरोना जो है एक भयानक बीमारी है, इससे कोई कोई ठीक होता है तो डॉक्टर साहबान तो पूरी मेहनत कर रहे हैं इसके बारे में भी, हर इंसान जो है हमारे जो PGI से डॉक्टर से सभी हॉस्पिटल से ठीक होके जाएं, हमें बड़ी खुशी है जो ठीक होके जा रहे हैं वो अपने फैमिली में ठीक तरह से आनंद मनाएं। हमारा जो पब्लिक के साथ यही है भी अपना बाहर ना निकलें, जो पुलिस अपने जो ड्यूटी कर रही है ये पब्लिक की सेवा कर रही है, हमारा फर्ज भी बनता है भी जो पब्लिक को अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, अगर वो नहीं मानता तो उनकी गाड़ी को बंद कर देते हैं हम इनको। इंडिया न्यूज चैनल से मैं सुनील शर्मा, मेरी भी आपसे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने घरों से मत निकलिए, अगर निकलना है तो पैदल जाइए, बैंक जाना है, राशन लेना, कोई भी सामान लेना, पैदल जाके अपना काम कीजिए, स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ियाँ मत चलाइए, आपके वहाँ परमिशन ना होने के कारण आपके स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ियाँ बाउंड करी
जा रही हैं। इसलिए मेरी भी आपसे यही बेनती है कि अपने घरों से मत निकलिए। इंडिया न्यूज़ चैनल आसमान से मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन वरिंदर सिंह।